तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि ठंड जाने वाली है और आप सभी अपने पुराने मोजों को डिस्कार्ड करने को सोच रहे होंगे, तो उन मोजों को डिस्कार्ड करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मोजों के बहुत सारे मैं यूज बताने वाली हूँ। तो मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है कि कोई शॉक्स हम लोग का पता चला कि उसका एक जोड़ा खो गया है। दिखने में शॉक्स अच्छा है, न्यू है, तो उसे आप बिल्कुल मिसयूज मत कीजिए, मतलब उसको डिस्कार्ड मत कीजिए। आप कोई भी शीशे का ग्लास लीजिए, प्लास्टिक का, स्टील का कोई भी ग्लास ले लीजिए जो कि कम यूज होता हो, और उसमें ऐसे आप शॉक्स को ऐसे सेट कर दीजिए, मतलब शॉक्स के अंदर ग्लास को डाल दीजिए। अब आप इसमें कोई भी डेकोरेटिव प्लांट डाल सकते हैं, तो मेरे पास आर्टिफिशियल डेकोरेटिव प्लांट जो है मैं इसमें लगा दूंगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पे इसे मैंने कहाँ रखा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, और आप देख सकते हैं इस एरिया की खूबसूरती इस फ्री के फ्लावर पॉट ने कितनी बढ़ा दी है। तो आप भी ऐसे अपने मोजे का यूज कर सकते हैं। दूसरे मोजे में मैं दिखाऊंगी कि इस मोजे को में आप अपने अम्ब्रेला को डाल करके रख सकते हैं। तो बहुत बार लोग छाता वगैरह घर में कहीं भी हैंगर पे टांग देते हैं, और वो रखे रखे पड़े हुए गंदा होता है, तो वो गंदा ना हो इस चीज़ से बचने के लिए आप सॉक्स के अंदर ऐसे अम्ब्रेला को टांग दीजिए, वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो आई होप आपको मोजे का ये जुगाड़ पसंद आया होगा। इस मोजे का मैं क्या करूँगी कि आपको कोई भी एक मोजा लेना है, तो मोजे के अंदर या तो कॉटन या स्पंज या कतरन आपको भर लेना है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने जो दूसरा जोड़ा मोजे का था वही इसमें भर लिया है। अब हमें इस को जो हमने तैयार किया है उसे हम किसी भी डिब्बे के अंदर भर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये डिब्बा खाली था, मैंने इसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे कि हम लेंगे अपने घर में पड़ी हुई जो सुइयाँ होती हैं, जो हम लोग धागे वगैरह में फंसा के रखते हैं, और जो आलपिन्स होते हैं जिन्हें गिरने का डर बना रहता है, उन्हें आप ऐसे रख लीजिए और रख करके ढक्कन लगा दीजिए। अब आप जब भी ढक्कन खोलेंगे आराम से आप सुई भी निकाल सकते हैं, अपना आलपिन भी निकाल के रख सकते हैं, और आपका ये काम बहुत ही इजी हो जाएगा और सेफ भी हो जाएगा। तो बहुत बार फ्रेंड्स क्या होता है कि घर में शूज़ रखने के लिए, कोई भी फुटवियर रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होती, और आपको वो अपना फुटवियर दरवाजे के पास बेड के नीचे या फिर यहाँ वहाँ रखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें डस्ट चला जाता है, वो बहुत गंदा हो जाता है और नेक्स्ट टाइम यूज करने के लायक नहीं रह जाता है। तो फिर यहाँ पे भी आप अपने ऐसे पुराने मोजे को उठाइए और उस मोजे के अंदर अपने फुटवियर को डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फुटवियर गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा और आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। तो पुराने और ख़राब मोजों का ये भी एक बहुत ही अच्छा सा यूज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी जो जूतों के अंदर का जो हमारा सोल होता है, जो मतलब ये तला क्या बोलते हैं इसको, जो ये होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये मेरे बच्चे का शूज़ है और ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, शूज़ बिल्कुल बढ़िया है, तो शूज़ तो मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको मैं क्या करूँ कि ये अच्छे कंडीशन में फिर से हो जाए। तो फिर दिमाग लगाया और मेरे हस्बैंड का शूज़ सॉक्स जो था पड़ा हुआ, मैंने उसका यूज किया, और इसके बेस के साइज़ का मैंने सीजर से सॉक्स को कट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो निकाल लिया और इसमें डाल दिया इसके तले को जूते के। अब ये बहुत ही अच्छा से इसका कवर बन के तैयार हो गया। जब भी इसका सोल साफ़ करना हो, मतलब इस तले को साफ़ करना हो, तो आराम से निकाल करके मैं साफ़ कर सकती हूँ, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है तो बच्चे को पहनने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये इसके शूज़ जो इसका है ना, वो डांस क्लास का शूज़ है, तो इसमें पता नहीं कैसे वो यूज करता है कि इसका ये तला इतनी बुरे तरीके से ख़राब हो गया था। तो आप जैसा देख सकते हैं सेकेंड वाले शूज़ में भी मैंने पहले से ये डाल करके रखा है, आपको थोड़ी भी स्टिचिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही काम कर जाएगा। चलिए, तो ये जो इसका पार्ट बचा हुआ था इसका भी मैं आपको यूज बताती हूँ। आप भी सोचेंगे क्या क्या करती है सुप्रिया। तो यहाँ पे ना मैंने इसके ये वाले पार्ट को, जो इलास्टिक वाला पार्ट होता है, उसको छोड़ करके मैंने इसे काट लिया है, और अब मैं इसे पतले में पीसेज में काट लूँगी। तो इससे क्या होगा ना कि अभी ये रबड़ बैंड की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं, जहाँ पर एक बड़े रबड़ बैंड की ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तरीके से इस रबर बैंड का यूज़ तो किया ही, अब जो इसका इलास्टिक बचा है उसका भी यूज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो बटन थे पहले से पड़े हुए, वो बटन मैंने लगा लिया है। आप कोई भी शो बटन लेकर के यूज कर सकते हैं सॉक्स के इलास्टिक के मैचिंग का। तो यहाँ दोनों इलास्टिकों पर मैंने ऐसे बटन लगा लिया। अब आप क्या करेंगे कि हम चलेंगे अपने पर्दों की तरफ। पर्दे जो ऐसे दिन भर खुले खुले रहते हैं, तो इसे मैंने बाइंड कर दिया इससे। ऐसे मैंने एक पार्ट ऐसे लिया और ले करके बटन के अंदर ऐसे फंसा दिया। बहुत ही ईजी सा है और आपको पता भी नहीं चलेगा किसी को कि आपने इसको मोजे के इलास्टिक से बनाया है। तो है ना बहुत ही यूजफुल ट्रिक।
और फ्रेंड्स, अगर मौजों से जुड़ा कोई भी जुगाड़ आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रियास कॉर्नर को, बेल बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।